Welcome to our channel Good Luck Institute. Subscribe our channel and hit the bell icon for new English video updates. Hey guys, how are you all? This is Jassi, guilty of English. In our last video, we have started a series of English logicals, and today we are going to do second part of English logical series. In my last video, I had taught you about all these things. But today, we are going to do three more logicals. Let's start with today's first logical. So our first logical in our part 2 English logical series is, now what's the use to? After that, you have to use only verb first, then your object. Fine. इस पूरे का मतलब हमारा होता है अब क्या फायदा. Fine. अब अगर मैं बोलता हूं अब बताने का क्या फायदा, अब जाने का क्या फायदा, अब पूछने का क्या फायदा, अब मेरी मदद करने का क्या फायदा, तो इस तरीके के जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को आप हमारे इस लॉजिकल की हेल्प से बना सकते हो. आपको ये पूरा का पूरा सेंटेंस नाउ से लेकर टू तक सेम यूज करना है. यहाँ पे आपकी जो भी वर्ब होगी वो आप यूज करोगे, एट लास्ट आपको अपना ऑब्जेक्ट यूज करना है. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नाउ What's the use to tell me? यानी अब मुझे बताने का क्या फायदा. सेम हमने यहां से लेके यहां तक सेम अपना सब्जेक्ट सेंटेंस हमने अपना यहां प्रॉपर यूज किया, फिर हमने यहां पे अपनी वर्ब यूज करी, लास्ट में हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया. वन मोर एग्जाम्पल, नाउ what's द यूज टू इन्फॉर्म पुलिस, यानी अब पुलिस को इन्फॉर्म करने का क्या फायदा. तो इस तरीके के जितने भी आपको सेंटेंसेस मिलते हैं जिसके अंदर आप बोलते हैं, या आप अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा बनाना चाहते हैं, तो आप इसी लॉजिकल की हेल्प लेंगे और अपना सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं. अगर इस लॉजिकल में अगर हम वर्ब यूज ना करें और इसकी जगह अगर हम कोई भी नाउन यूज करते हैं, तो क्या करना है आपको, अगर हम नाउन ले लेते हैं तो हमें क्या करना है, नाउ वर्ड्स द यूज, अब इसके आगे हमें टू नहीं है ऑफ लगाना है, फिर यहां पे जो भी आपका नाउन होगा. एग्जाम्पल, नाउ व्हाट्स द यूज ऑफ इंग्लिश बुक, यानी अब इंग्लिश बुक का क्या फायदा. अनदर एग्जाम्पल, नाउ व्हाट्स द यूज ऑफ मनी, यानी अब पैसे का क्या फायदा. तो अगर आपके पास वर्ब आ रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे आप अपना यूज टू लगाकर आप यहां पर वर्ब यूज करेंगे. अगर आपके पास ओनली नाउन है तो यहां पे यूज के बाद आपको ऑफ लगाना है, फिर आपको जो भी आपका नाउन होगा वो आपको यहां पर यूज कर देना है. तो ये तो हुआ हमारा इंग्लिश लॉजिकल सीरीज पार्ट 2 का पहला लॉजिकल, आज हमने कर लिया. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड लॉजिकल ऑफ द डे. अब जो हमारा सेकंड है लॉजिकल वो है हमारा, नाउ इट्स नो यूज टू. इसके अंदर भी हम अपनी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे देन ऑब्जेक्ट. अब इस लॉजिकल का जो मतलब है हमारा यहां तक का वो होता है अब कोई फायदा नहीं. फाइन, अब जैसे मैंने बोला आपको अब बताने का कोई फायदा नहीं, अब जाने का कोई फायदा नहीं, अब पूछने का कोई फायदा नहीं, अब हमसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, तो इन सभी सेंटेंसेस को अब हम इस लॉजिकल की मदद से बनाएंगे. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें भी, लाइक नाउ इट्स नो यूज टू आंसर मी, यानी अब मुझे जवाब देने का कोई फायदा नहीं. अनदर एग्जाम्पल, नाउ इट्स नो यूज टू आस्क अस, यानी अब हमसे पूछने का कोई फायदा नहीं. इसमें भी हमें क्या करना है, अगर आप वर्ब की बात कर रहे हैं तो आपको टू का यूज करना है. अगर आपका यहां पे नाउन आएगा तो जैसे हमने अपने लास्ट लॉजिकल में किया था, सेम हम इसमें भी करेंगे. नाउ इट्स नो यूज, अब यहां हमारा ऑफ लग जाएगा, लाइक नाउ इट्स नो यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, यानी अब इस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं. अनदर एग्जाम्पल,
Now, it's no use of your account. यानी अब तुम्हारे अकाउंट का कोई फायदा नहीं. एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसी को और क्लियर करने के लिए. Now, it's no use of money. ठीक है ना, यानी अब पैसे का कोई फायदा नहीं. तो अभी हमने दो लॉजिकल आर्ग किए हैं, जिसके अंदर पहले तो हमने बात करी है कि अब क्या फायदा, और दूसरे हमने बात करी है अब कोई फायदा नहीं. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड लॉजिकल ऑफ द डे. आज के इस आखिरी लॉजिकल में हम करने वाले हैं, जब हम बात करते हैं किसी से भी कि जाने की ही तो बात है, पूछने की ही तो बात है, बताने की ही तो बात है, पैसों की ही तो बात है, अब इन चीजों को हम किस तरीके से अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, वो हम करने जा रहे हैं अपनी थर्ड लॉजिकल जो है हमारा आज का, उसकी हेल्प से. तो जो हमारा थर्ड लॉजिकल है आज का वो है मैटर्स हेयर. इसका मतलब होता है की ही तो बात है. जैसे अगर हम किसी भी वर्ड को लगाते हैं शुरू में, जैसे मैंने बोला मनी मैटर्स हेयर, यानी पैसों की ही तो बात है, और लाइक टाइम मैटर्स हेयर, यानी समय की ही तो बात है. लेकिन अगर मैं इनकी जगह कोई भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन यूज करूंगा, या कोई भी प्लूरल वर्ड यूज करता हूं, तो मुझे क्या करना है, यहां पर मैटर्स की जगह मैटर यूज करना है. जैसे पीपल मैटर हेयर, यानी लोगों की ही तो बात है, और योर डिजायर्स मैटर हेयर, यानी तुम्हारे डिजायर्स की ही तो बात है. तो अगर हमारा सिंगुलर होगा तो मुझे वहां पर मैटर्स लगाना है, अगर मेरा जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है तो मैं क्या करूंगा, वहां पर सिर्फ मैटर का यूज करूंगा. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्ब्स की, फाइन, जैसे हमने बोला earning money matters for survival, it means पैसों की ही तो बात है जीने के लिए. और another example, walking matters for good health, यानी अच्छी सेहत के लिए चलने की ही तो बात है, यानी चलना बहुत मैटर करता है. तो इन दो केसेस में हमने देखा कि हमने एक वर्ब की बात करी जिसलिए हमने आईएनजी लगा दिया, यहां हमने इन दो सेंटेंसेस में हमने जो हमारे सब्जेक्ट थे वो हमने प्लूरल लिए थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सिर्फ मैटर यूज कर रहे थे, और इन दो में हमारे जो सब्जेक्ट थे वो हमारे सिंगुलर थे, इसलिए वहां पर हम मैटर्स का यूज कर रहे थे. मैटर्स हमने इनमें भी यूज किया हुआ है, बट यहाँ पे हमने अपनी वर्ब यूज करी, इसकी वजह से हमने आईएनजी भी यूज किया हुआ है. तो आज हमने ये तीन लॉजिकल सीखे. इन तीन लॉजिकल्स के अलावा अगली वीडियो के अंदर मैं आपको लॉजिकल के अंदर टैग क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ. दिस इज जस्सी साइनिंग ऑफ द डे. थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर आवर दिस वीडियो.